तो मैंने, हम लोग 4-5 लोग थे जो जिनको हम नौ धनाढ्य बोल सकते हैं। तो हमने सबने प्रोजेक्ट वगैरह बनाया, मेरा प्रोजेक्ट सबसे पहले बन गया। उन्होंने बुला के बोला कि एक शर्त है कि स्टेट गवर्नमेंट की NOC चाहिए, और उस समय यहाँ स्टेट पटवारी आपकी सरकार थी। मुझे NOC मिल गई और कॉलेज खुल गया। सर, NSD का सफर कैसा रहा? मतलब वो NSD आज के टाइम में काफी बड़ा कॉलेज है और हर कोई जानता है, तो कितनी फ्रेंचाइजी है इस कॉलेज की, कहाँ कहाँ पर ये है, और भोपाल से सफर शुरू कैसे हुआ? मैंने बताया ना, पूरे नॉर्थ इंडिया का फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज है LNCT। उसके बाद करीब करीब 2000 इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, पर हम अपने स्थान पे अभी भी हैं, क्योंकि हमने कुछ चीज़ें बिल्कुल नहीं छोड़ी, चाहे कुछ भी हो जाए। जैसे कि हमने स्कूल में ड्रेस, कॉलेज में हमने ड्रेस रखी, तो बहुत विरोध हुआ। हमने बस सर्विस बिल्कुल रखी कि बस को बच्चे को बस से ही आना पड़ेगा, अपनी गाड़ी से नहीं आ सकता। आज भी पिछले 27वां साल चल रहा है कॉलेज को खुले, पर ये स्थिति है कॉलेज में। टीचर्स अनुशासन हमारी एक मेन पहचान है, कॉलेज अनुशासन हमारी मेन पहचान है। हम अनुशासन के कारण ही आगे हैं। हमने अपने कॉलेज में कभी नकल नहीं होने दी, और बिना पढ़े किसी को डिग्री नहीं दी। ऐसा नहीं हो सकता कि तुम बिना पढ़े डिग्री लेके चले जाओ, ऐसा हमने नहीं। एग्जाम देना इम्पोर्टेंट है, ये नहीं चलेगा किसी और को बिठा दिया। और एग्जामिनेशन में जब बैठने आता है ना बच्चा, अभी वो ड्रेस में नहीं है, जैसे ठंड के मौसम में ब्लेजर में नहीं है, तो उसको एग्जामिनेशन देने को नहीं मिलेगा, उठा के भगा दिया जाएगा। डिसिप्लिन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट आई गेस। तो ये कुछ अनुशासन में हम इतने वो थे कि जो भी नकल करते पकड़ा गया, उसका UFM बना ही बना, चाहे कोई भी हो। कई बार लोगों, मंत्रियों के फोन आया कि भैया ये ऐसा ऐसा देख लो, मैं कहता हूँ पहले उसका UFM बनाओ, फिर बाद में बात करेंगे। सर, ये तो कॉलेज की बात हो गई, इसके अलावा LNCT, इसके अलावा कहाँ कहाँ इसकी फ्रेंचाइजीज हैं, फिर कहीं और कौन से कॉलेज हैं? देखिए, 94 के बाद 96 में मैंने MPCT ग्वालियर खोला, फिर उसके बाद भोपाल छत्तीसगढ़ में मेरा नेटिव प्लेस है छत्तीसगढ़ पर। तो बिलासपुर में मैंने चौकसी इंजीनियरिंग कॉलेज, JK इंजीनियरिंग कॉलेज, और वहाँ पर होम्योपैथी कॉलेज, मैंने सब मिला के आज की तारीख में करीब 42 कॉलेज में खोल चुका हूँ, और एक यूनिवर्सिटी। क्या बात है सर। तो सर, इतने सारे कॉलेज आपने खोले, और इसके अलावा आप कौन कौन से ग्रुप से जुड़ेंगे? तो कॉलेज की बात होगी, हमने सुना है मेडिकल में भी आपका योगदान मैं रहा बता है। करूँ, ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है इस समय जो हमारे पास नहीं है। मतलब मेडिकल में नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज, होम्योपैथी कॉलेज, आयुर्वेदिक कॉलेज, और MBBS। कई लोग पूछते हैं कि इतने जैसे ऐसे कितने बढ़ा रहे हो, कैसे बढ़ा रहे हो, ऐसा कैसे है? तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सभी को, कि जो कॉलेज का पैसा, मैंने आज तक अपने परिवार के ऊपर एक पैसा खर्च नहीं किया। कॉलेज का पैसा केवल कॉलेज में लगता है, इसीलिए 1 से 40 कैसे पहुँचे होंगे, समझे? तो फिर आप इतना प्रश्न करते, फिर आपका घर कैसे चलता है? तो मैंने कहा कि मैं कॉलोनाइजिंग की मैंने 10 साल 12 साल, तो उनसे जो मेरे प्लाट मैंने बेचे, और अभी मेरे पास 5 करीब 50 प्लाट हैं। एक प्लाट बेचता हूँ, पहले मैंने 12 रुपये स्क्वायर फीट में बेचे थे, आज मैं 4,000 रुपये स्क्वायर फीट में बेचता हूँ। एक प्लाट बेचता हूँ, पूरे साल मेरा पूरा परिवार ऐश से खाता है, ऐश से रहता है। तो इसे कॉलेज बढ़े फिर मतलब यहाँ मान सकते हैं हम कि अगर इंसान चाहे तो एक शून्य से शिखर तक का सफर आराम सफर तय कर क्यों सकता है, और कर आप सकते, एक उसके लिए चाहत प्रेरणा। होना चाहिए बस। हाँ, आप उसके लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण भी हैं। तो सर, यहाँ पे आगे मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये सब चीजें हो गई प्रदेश की और देश की, इसके अलावा बाहर भी हमने सुना है कि विदेश में भी आपके जो है फ्रेंचाइजी हम लोगों कॉलेजेस ने हैं। 3 कंट्री से वो किया है, कोलोब्रेशन किया है। अभी कर्गिस्तान में हमारा पहला मेडिकल कॉलेज खुल गया है, LN मेडिकल कॉलेज, और अभी बाकी जगह भी प्रयास कर रहे हैं, दूसरा मेडिकल कॉलेज खोलने का भी प्रयास कर रहे हैं। अभी मेडिकल कॉलेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम इस तरह की हैं कि जैसे गवर्नमेंट MCI से परमिशन वगैरह की जो प्रॉब्लम आती है, कुछ रूल्स रेगुलेशन ऐसे बने हैं। इसलिए आप जो मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं पिछले 10 साल से, जो हमारे यहाँ जो मरीज भर्ती होता है उसको खाना फ्री, दवाई फ्री, सब कुछ फ्री है।
तो इतने प्रश्न किया कि ऐसा कैसे होगा, कहाँ से देते हो? तो मैंने कहा ये जो बच्चे हम लोग को फीस देते हैं ना, उन बच्चों से, क्योंकि मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे को पेशेंट चाहिए, पेशेंट के बिना वो पढ़ ही नहीं सकता, और हमको ढूंढ ढूंढ के पेशेंट लाते हैं, पूरे साल भर पेशेंट ढूंढते रहते हैं। यहाँ से चार, इस समय 400 किलोमीटर के रेडियस में ऐसा कोई गांव या ऐसा कोई बड़ा शहर नहीं बचा है जहाँ से हमने लाकर उनका इलाज ना किया हो, फ्री इलाज। तो लोगों को लगता है कि ये केवल MCI की नाप्स पूरा करने के लिए करते हैं, नहीं, हम उनको इसलिए लाते हैं कि क्योंकि पैसा दे के कोई अपने डॉक्टर पर प्रयोग नहीं करने देगा। यदि आप किसी हॉस्पिटल में जाएं और भर्ती हो जाएं और वहां आप पैसे दे के भर्ती होंगे, तो कोई आपसे आके आपको नर्स छूना चाहेगा तो आप नहीं छूने देंगे। वो फ्री के जो पेशेंट होते हैं वही, उन्हीं पर आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में तो हमने ऐसा ऐसा भुगता है कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक दिन ऐसा आया कि मेरे यहाँ 500 पेशेंट भर्ती थे, 400 पेशेंट, चार सौ पचास अस्पताल में JK हॉस्पिटल, जी 450 लोगों को ऑक्सीजन लगी थी और 50 लोगों को वेंटिलेटर लगा हुआ था, और रात के 2:30 बजे पूरा हमारा परिवार वहीं लगा हुआ था। रात के 2:30 बजे बेटे का फोन आता, पापा बहुत बड़ी हालत खराब है, रोने लगा। मैंने कहा क्या हो गया? बोले पापा ऑक्सीजन नहीं, अपने पास 10 सिलेंडर बचे, एक सिलेंडर 8 मिनट चलता था कुल, समझे? तो मैंने कहा घबराने की बात नहीं, हमने कलेक्टर साहब से बात की, त्रिपाठी साहब से बात की और जो भी लोग, और लास्ट सिलेंडर जो बचा था ना 8 मिनट, तब हमारे पास ऑक्सीजन आ गई और नेक्स्ट ने सप्लाई कर दी, नहीं तो कम से कम 250 पेशेंट मरते। सर, ये कोरोना काल की जो आपने जिक्र किया है अभी, अगर इसको हम देखें तो किस तरीके से देखें, क्या मतलब उस टाइम आपने इसमें क्या क्या आधे से सीखा? ज्यादा, अभी जो देखते हैं ना, मेरे हिसाब से तो आधे से लोग ज्यादा लोग डर के मर गए, केवल डर। बिल्कुल है बीमारी उतनी खतरनाक नहीं थी जितनी खतरनाक डर था। एक मैं छोटा सा उदाहरण बता दूं, मेरे एक मित्र का फोन आया कि मेरे पिताजी को ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। मैंने कहा अस्पताल ले जाओ। वहाँ अस्पताल आया, हमारे अस्पताल में, मैंने कहा इनका RT-PCR करा दो, उसकी रिपोर्ट आने में जब तक पॉजिटिव नहीं आते तब तक आप उनको भर्ती नहीं कर सकते। तब RT-PCR के आधे दो दो 3 घंटे लगते हैं। तो मैंने कहा कि इनका इसी तरह CT स्कैन वगैरह करा लो, पता चल जाएगा कितना। वो बैठे बैठे वहां पर करीब आधे पौने 2 घंटे में CT स्कैन में नंबर आने वाला था, वहीं कलप्स हो गया। मैंने केवल डर से, कोई बीमारी नहीं थी, केवल डर से, कि लोग कह रहे थे ऑक्सीजन बेड नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा, ये नहीं मिल पाएगा। और सही, ऑक्सीजन की बहुत प्रॉब्लम थी, मगर आज नहीं। सर, और उस हॉस्पिटल क्या बता रहे हैं सर? हॉस्पिटल में आपने इतना कुछ देखा, आपने 500 लोगों को जो है ऑक्सीजन के लिए तरफ से देखा वहां पर, आप उसी टाइम पर अवेलेबल कराना, वो चीज बहुत मेहनत लग का काम है, बहुत सेवा तभी का काम हमने है तुरंत सर। सोचा कि हम ऑक्सीजन प्लांट अपना खुद डालेंगे, और हमने दो दो ऑक्सीजन प्लांट डाल लिए। जी मैं सोचता हूँ भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल में पहला हमारा ऑक्सीजन प्लांट डल गया। सर, यहाँ पे देखा जाए तो कोरोना काल जिस तरह सब एक्सचेंज बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या देखा कोरोना काल में आपने? कोरोना काल में मैंने भी बताया ना आपको, ज्यादातर लोग डर से मरे, बाकी ऑक्सीजन की कमी से नहीं मरे, इलाज से नहीं मरे, मगर डर से। मैंने अपने बहुत से दोस्त खोए हैं, बहुत से रिश्तेदार खोए हैं, वो केवल डर से। मैंने किसी को यार मारा है तो वो किसी दूसरी बीमारी से, कोरोना से कोई मर नहीं सकता, इस बात की मैं गवाह हूँ। मेरे पूरा परिवार को कोरोना हुआ, किसी को कुछ नहीं हुआ। हमने बोला कुछ नहीं होगा, किसी कुछ 2 दिन 3 दिन तक स्वाद नहीं आया, टेस्ट नहीं आया, चौथे दिन अपने आप आ गया, सब ठीक हो गया। सर, यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप पूरा सब देख रहे थे, आपका पूरा परिवार जो है पूरे हालात देख रहा था, और उस वक्त में अगर देखा जाए तो आपकी फैमिली को भी कोरोना हुआ, आपने सफर किया उस चीज से, तो उस वक्त आपकी फैमिली को आपने सर क्या मोटिवेशन दिया कि वो डरे नहीं उस बस चीज हम से? सबको ये बोलते थे, मैं भर जब मैं 7 दिन तक मैं भी अस्पताल में भर्ती था, तो मैं एक एक पेशेंट के पास जाके बोलता था घबराना नहीं, कुछ नहीं होगा, और उस 7 दिन में एक डेथ नहीं हुई, समझे? सर, मतलब मोटिवेशन देने वाला भी कोई चाहिए मोटिवेशन की रहता बहुत है। जरूरत थी। जो क्या है, मीडिया ने, प्रचार ने जो ये कह दिया ना, बहुत खतरनाक बता के, सर, तो जो आके डेथ रेशो सामने आ रहा था, हर कोई देख के डर रहा था उस वक्त तो। अब आधे लोग तो डर से मर रहे थे। मैं तो ये कहता हूँ, अभी भी कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि जो डरा वो गया। उसमें एक हमारा बहुत अच्छा मित्र था पत्रकार, आप जानते होंगे, सुधीर एकबोटे, वो भी केवल डर से, भैया मेरे को ये हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, घबरा नहीं, रोने लगा। अरे मैंने कहा घबरा क्यों रहा भाई, कुछ नहीं होगा, ऐसा प्रॉब्लम।
सर पता है, लेकिन एक चीज है कि ये तो हम बाहर से देख रहे हैं, कोविड जो वार्ड रहता है उसके अंदर क्या तस्वीरें देखी हैं आपने कि वहां पे किस तरह का माहौल रहता है, आप खुद भी वहां रहे हैं, तो क्या लगता है कि वहां जब माहौल कैसे बिगड़ जाता है अगर वहां कोई मोटिवेट करने वाला नहीं होता तो? नहीं, हमारे हॉस्पिटल में तो ऐसा माहौल नहीं बना कभी कि माहौल बिगड़ा हो। जैसे कि आप डर की बात जो कर रहे हैं, डर, वो डर आदमी को सुन के कुछ जो हौसला देने वाला एक इंसान होता है कि नहीं आपके बगल में खड़ा है, नहीं एक्चुअल में कुछ नहीं क्या था होगा, सब कुछ ठीक कि होगा। इतना ज्यादा डरवा दिया गया था कि बिना वो पहने किट पहने हुए आप अंदर नहीं जा सकते, और वहां के आदमी दूसरा कोई नहीं जा सकता, जैसे हम खुद मालिक होकर भी अंदर नहीं जा सकते, अभी जाना है तो पूरे किट पहनो, वैसे कुछ नहीं होना था, मगर वो ऐसा बता दिया गया कि भाई प्रोटोकॉल का पालन अभी करना था। नहीं पहने तो अब तुरंत ही खत्म हो जाओगे, इस तरह की बात हो गई। ऐसा कुछ नहीं, ये मुझे नहीं लगता है लोगों ने जो फैला रखा ना थर्ड वेव आएगी, कुछ कोई वेव नहीं आएगी। आई गेस अब माहौल शांत है पहले से। और और ये वैक्सीनेशन वगैरह हो गया उससे थोड़ा सा आदमी का मतलब बूस्टअप हो गया, आदमी मजबूत हो गया है कि नहीं कुछ नहीं होगा। वैसे भी ये तो भारत है, यहाँ पर तो इंसान वैसे इतना मजबूत होता है, हाँ नहीं, और यहाँ पे इतना डेथ रेशो देखने की बात, कहीं ना कहीं सर हम इंडिया को देख के बाहर के देशों में भी कई बात कहीं ना कहीं फैल गई थी कि बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है, बहुत ज्यादा खतरनाक वायरस है, वायरस इतना खतरनाक तो नहीं था जितना बना दिया। डर से ज्यादा सब कुछ हो रहा है, दर्द पैंडेमिक जो था वो सिर्फ नाइन्टी टेंशन था। नाइन परसेंट डेथ दर्द से हुई। कोई मैं कोरोना से बनी, कोरोना मैंने हायर सेकेंडरी क्लास में पढ़ा था, जब मैं 63 में 10th क्लास में था तब मैंने कोरोना वायरस के विषय में पढ़ा था, सर्दी जुकाम का वायरस है, कितना भी तेज करते सर्दी जुकाम से कोई मरता है क्या? नहीं मर सकता, तकलीफ हो सकती है 3-4, थोड़ा और वायरस ने इफेक्ट कर दिया होगा, तेज चला गया, नाक में स्मेल नहीं आ रही है, ये तो नॉर्मल चीज इससे है। इससे घबरा गया आदमी, डर गया बिल्कुल, अरे कुछ टेस्ट ही नहीं आ रहा है, स्मेल ही नहीं आ रहा है, मुझे भी 4 दिन बाद ही स्मेल आई पहली बार। सर ये तो कोरोना के चलिए हो गया, फर्स्ट वेव सेकेंड वेव दोनों आपने देखी अपने हिसाब से कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ, सेकेंड वेव में क्या कुछ नहीं हुआ, और ऐसे में अब सबसे अगर थर्ड वेव की बात करें तो तीनों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो आप क्या कंक्लूजन देंगे इसमें कि फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव और अब थर्ड वेव के आने की आशंका, तो कहीं चुनौती डॉक्टर्स मुझे के मैंने लिए कहा है या नहीं है? ना, वैसे तैयारियां बहुत हो गई, शासन ने बहुत अच्छी तैयारी कर दी, ऑक्सीजन प्लांट बहुत सारे लग गए, आधे लोग जो ऑक्सीजन के कमी के कारण, ऑक्सीजन की कमी से कोई मरा नहीं मगर उसके डर से मर गया कि ऑक्सीजन मिलेगा कि नहीं, हजारों लोगों ने सिलेंडर खरीद के रख लिए, सैकड़ों लोगों ने, तो वैसे ऑक्सीजन का हो गई मार्केट में मिलना मुश्किल हो गए, हर के घर में एक सिलेंडर मिल जाएगा इस समय आप। जी बिल्कुल, ये सर ये तो तस्वीर सबसे हमने भी देखी है कि कोई गाड़ी पर सिलेंडर लेके जा रहा है, यहाँ से कहीं वहां से आ रहा है वापस लेके, तो ये बड़ा दिक्कत थी उस टाइम पे। चलिए सर, आपने पहला यहाँ पर प्लांट लगाया भोपाल में ऑक्सीजन का, तो जो प्लांट था वो कब आपने सोचा कि लगाना ही है और कितने टाइम में लगा दिया वैसे आपने? हमको ऑक्सीजन प्लांट 1 महीने के अंदर लग गया, जिस दिन हमने प्लान किया कि हमको ऑक्सीजन प्लांट लगाना है तो तीसरे दिन बैंक से फाइनेंस हो, मात्र 3 दिन लगे फाइनेंस होने में, और 20 दिन के अंदर हमारा प्लांट तैयार होके आ गया और हमने उसका उद्घाटन मंत्री जी से करा दिया था, तीसरे दिन हमने प्लांट लगा दिया। इस समय 800 सिलेंडर हम बनाते हैं डेली, उसमें से जिन हॉस्पिटलों की जरूरत है वहाँ पहुँचाते हैं, हमको जो जरूरत है वो कुछ भी बाकी जनरल लोगों को देते। सर ये तो हो गया आपका एक्सपीरियंस हॉस्पिटल और कोरोना को लेकर, अब यहाँ पर अगर आपके कुछ पर्सनल अनुभवों की बात कर ले हम, तो सर आप इतने वरिष्ठ इंसान है, मतलब आप आपको पास इतना अनुभव है, बिजनेस हो चाहे वो कोई भी फील्ड हो, आपने इतने कॉलेजेस देखे हैं, बच्चे देखे हैं, राजनीति देखी है, समय देखा है, तो इस समय से आप क्या कहना चाहेंगे कि एक ऐसा ज्ञान देखिए या फिर क्या ऐसी है कोई बात लोगों से आप कहना चाहें? कि ऑनलाइन टीचिंग से बच्चा कभी भी बहुत अच्छा नहीं बन सकता, जब तक भाई अभी ऑनलाइन टीचर आपको मालूम है वहाँ महाभारत काल में ऑनलाइन व्यवस्था थी ना, संजय बाहर से देख के वो बता रहा था, तो फिर उनके बच्चों को गुरुकुल भेजने की जरूरत क्या थी, सब कुछ ऑनलाइन पढ़ा लेते बच्चों को, पर जी ऑनलाइन की से कभी बच्चा होशियार नहीं बन सकता, उसको जब तक टीचिंग क्लास टीचिंग नहीं होगी, और इसको इस समय बहुत कम कर दिया गया, उससे बच्चा कमजोर हो जाएगा और जो आज रिक्वायरमेंट है मार्केट में वो नहीं पूरी कर पाएगा। हम देखते हैं ना कि हम जिसकी 90% से कम अटेंडेंस होती है उसको हम क्लास एग्जामिनेशन में नहीं बैठने देते, बहुत से लोग तो हमसे इसीलिए हमको तकलीफ रहती है। सर अभी कोरोना के टाइम पे तो सब कुछ मतलब ऐसे ऑनलाइन ही चला है, तो कॉलेज की पढ़ाई कैसे मैनेज हुई वो सब एलएसटी में? बच्चे केवल डिग्री लेंगे और कुछ नहीं करेंगे, ये उनके लिए लगता है कैसे इस बार, लेकिन देने के नुकसान बहुत बड़ा बहुत हो गया बड़ा है, नुकसान हो रहा है ये देश बच्चे में, समझ नहीं रहे हैं ये इसको। बच्चे नहीं समझ रहे हैं, पेरेंट्स नहीं समझ रहे हैं, समझे,